हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। एंड दोस्तों, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हमारे सामने खड़ी है 2023 फेसलिफ्ट किया सेल्टोस। एंड दोस्तों, गाड़ी ब्लैक कलर में देखने में बहुत ही दोस्तों शानदार लग रही है ब्लैक कलर में। सो दोस्तों, अगर बात करते हैं इसके वेरियंट की, तो अभी आप जो वेरियंट देख रहे हैं ये आपका STX डीजल IMT। एंड दोस्तों, देखने में गाड़ी काफ़ी शानदार है। अगर दोस्तों इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों आपकी लॉन्च हुई 2019 में। एंड अभी दोस्तों 2023 का ये आप इसका फेसलिफ्ट वेरिएंट देख रहे हैं। सो एक्स शोरूम प्राइस की बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी की, तो आपको पड़ती है 16.70 लाख रुपये। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो आपको अराउंड 19.20 लाख रुपीज़ की ऑन रोड पड़ जाती है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। एंड दोस्तों, ऑन रोड प्राइस वेरी कर सकती है आपकी स्टेट टू स्टेट। तो ये गाड़ी आपको पेट्रोल प्लस डीजल दोनों इंजन ऑप्शन में देखने को मिल जाती है, प्लस आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, मैनुअल एंड आपको IMT ट्रांसमिशन भी देखने को मिल जाएगी। सो गाड़ी में काफ़ी सारे फीचर्स दोस्तों आपको देखने को मिल जाते हैं, नए फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप पहला हो गया आपका पैनोरमिक सनरूफ। एंड दोस्तों, अंदर आपकी डिस्प्ले वगैरह काफ़ी सारे दोस्तों में आपको फीचर देखने को नए मिलेंगे। एंड काफ़ी ज़्यादा दोस्तों उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, 19,20,000 रुपये खर्च करने के बाद आपको इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, आज हम दोस्तों वही सब कवर करेंगे इस वीडियो में। सो फ्रंट की दोस्तों बात कर ले, आप देख लीजिए, आपको कुछ काफ़ी ब्रॉड सा फ्रंट देखने को मिलता है। 1800 mm की आपको चौड़ाई देखने को मिल जाती है दोस्तों, बीच में आपको किया का लोगो। एंड दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए, पूरे आपके क्रोम के एलिमेंट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। सो दोस्तों, बात करते हैं अगर इसकी ग्रिल की, तो जो उसमें आपको डिज़ाइन मिलता है वो चेंज कर दिया गया है। एंड इसमें दोस्तों आपको ग्लॉसी में आपको ग्रिल देखने को मिल जाती है। प्लस दोस्तों, ये आपका DRL होगा जो वहाँ तक कंटिन्यू करते हैं। DRL का साइज थोड़ा मोटा कर दिया गया है। ये दोस्तों आपका रहेगा लाइट सेटअप जो कि आपका रहता है LED में। वहीं दोस्तों, अगर इसके टर्न इंडिकेटर की बात करते हैं, तो ये भी आपको मिल जाता है LED में। नीचे आपको दोस्तों फॉग लैम्प की बात करें, ये भी आपका LED में। प्लस 4 पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं फ्रंट में। एंड लोअर ग्रिल दोस्तों कुछ साइड से आपको देखने को मिल जाएगी। 190 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ऑफर करती है। साइड से बात करते हैं दोस्तों, साइड लुक काफ़ी अच्छी है। 4365 mm की इसमें आपको लेंथ देखने को मिल जाती है। एंड दोस्तों, जो बात करें इसके साइड मिरर की, तो ये दोस्तों आपको पूरा ब्लैक कलर का देखने को मिल जाता है। इसमें दोस्तों आपको टर्न इंडिकेटर, प्लस दोस्तों ये आप करेंगे ऑटो फोल्डेबल। एंड इसमें आपको मिलता है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, प्लस ये आप करेंगे वेलकम मिरर्स। बाकी दोस्तों रूफ की बात करें, रूफ रेल्स एंड ऊपर आपको पैनोरमिक सनरूफ देखने को मिल जाती है। एंड अगर दोस्तों उसका टायर साइज़ की बात करते हैं, तो दोस्तों जो उसमें आपको टायर साइज़ देखने को मिल जाता है, बुरा का 215/60/R17 का। एंड दोस्तों आपको उसमें मिलते हैं अलॉय व्हील सिल्वर कलर के, डिज़ाइन दोस्तों काफ़ी अच्छा है। बाकी दोस्तों यहाँ देख लीजिए, आपको फ्रंट में डिस्प्ले कंपनी ऑफर करती है। एंड ब्लैक कलर की क्लडिंग दोस्तों आपको पूरी गाड़ी में देखने को मिल जाएगी। पीछे वाला टायर की बात करते हैं, तो उसमें भी दोस्तों आपको डिस्प्ले कंपनी ऑफर करती है। हाइट की बात करते हैं, तो अराउंड आपको 1645 mm की इसमें आपको हाइट देखने को मिल जाती है। ज़्यादा हाइट तो नहीं है दोस्तों, बट गाड़ी काफ़ी कॉम्पैक्ट लगती है। एंड दोस्तों, गाड़ी बहुत मस्त लगती है बैक से। बात करें क्या चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, पीछे में दोस्तों आपको किया का लोगो, ये दोस्तों पूरा आपका पार्ट मिलता है कनेक्टिंग टेल लाइट का। बाकी दोस्तों बात करें इसके, यहाँ पर देख लीजिए टेल लाइट सेक्शन पूरा चेंज कर दिया गया है, ये आपका दोस्तों LED में। बाकी दोस्तों गाड़ी देखने में गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। नीचे आपकी IMT की बैजिंग आती है, यहाँ आपकी दोस्तों सेल्टोस की बैजिंग। एंड किया के नीचे दोस्तों आपको एक कैमरे की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, वाइपर मिलता है, डिफॉगर, हाईस्टॉप माउंट लाइट, सार्फिन एंटीना एंड किया कनेक्ट दोस्तों आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। पीछे दोस्तों आपको 4 पार्किंग सेंसर प्लस 2 रिफ्लेक्टर एंड दोस्तों 2 आपको मिल जाते हैं इसमें पार्किंग लाइट। बाकी आपका लोअर बम्पर कुछ स्टेप से दोस्तों देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों साइड में आते हैं इस तरफ, यहाँ बात करते हैं इसके फ्यूल लिड की, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ये दोस्तों आपका रहेगा डीजल वेरिएंट, यहाँ पर आप देख लीजिए आपको DEF या एड ब्लू का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, यानी अब आपको सेल्टोस में भी DEF भराना पड़ेगा, जो कि अब आप कंपलसरी हो चुका। सो लगे दोस्तों, अगर बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, तो चलिए टेल गेट ओपन करते हैं। यहाँ से जस्ट प्रेस करना है एंड ये ओपन हो जाता है मैनुअल। बाकी दोस्तों पहले आपको उसमें पार्सल ट्रे देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बड़ी है एंड क्वालिटी दोस्तों काफ़ी अच्छी दी गई है आपको उसमें। एंड दोस्तों यहाँ देख लीजिए आपको 433 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा दोस्तों बूट स्पेस है। एंड 4-5 बैग मतलब ठीक साइज़ के आराम से आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको लाइट देखने को मिल जाती है, यहाँ टो हुक बाकी कुछ और सब ऊपर की प्लेसमेंट आपको इसमें देखने को नहीं मिलती। एंड दोस्तों इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ देख लीजिए आपको जो उसमें टायर मिलता है दोस्तों, वो 16 इंच का मिलता है ना स्टील व्हील रिम के साथ। तो चलिए इसको बंद करते हैं, तो यही सब कुछ दोस्तों आपको इसके बूट स्पेस में देखने को मिल जाता है। चलिए बंद करते हैं इसके टेल गेट को।
ड्राइवर साइड डोर की यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है। एंड जैसे आप ये ओपन करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर आपको जो डोर पैनल मिलता है वो आपको ड्यूल टोन का बीज एंड ब्लैक कलर का। बाकी दोस्तों आपका सॉफ्ट टच हार्ड प्लास्टिक एंड ग्लॉसी ब्लैक का एलिमेंट प्लस ट्यूटर प्लस स्पीकर। ये दोस्तों आपको बोटल स्पेस, ये आपको पावर विंडो और कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं चारों के चारों, जो कि आपके वन टच डाउन एंड वन टच अप है। यहाँ दोस्तों आपको पीछे वाले पावर विंडो के कंट्रोल्स को दोस्तों बटन दबाते ही लॉक हो जाएंगे और नीचे ऊपर नहीं होंगे। बाकी लॉक एंड अनलॉक मिरर सेट करने के कंट्रोल्स मिलते हैं आपको। ये दोस्तों बटन दबाते ही आपका ये देखिए साइड मिरर फोल्ड होता है, दोबारा दबाओगे अनफोल्ड हो जाएगा। एंड सीट की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको इसमें सीट एडजस्टमेंट मैनुअली करना पड़ेगा यानी 19.5 लाख रुपये देने के बाद भी। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकली सीट एडजस्टमेंट कंपनी को प्रोवाइड करवाना चाहिए था, यानी लगभग 19.5 लाख रुपये आप ले रहे हो कस्टमर से, तो इतना तो कस्टमर एक्सपेक्ट कर ही सकता है आपसे। एंड दोस्तों बाकी बात करें सीट की, तो आपको लेदरेट सीट मिलती है वाइट कलर बेज कलर की। यहाँ पर आपको दोस्तों देख लीजिए बैजिंग मिलती है एयरबैग की। एंड दोस्तों ये रहेगा आपका IMT वेरिएंट, वहाँ दोस्तों आपको मिलता है इसमें एक डेड पैडल। बाकी यहाँ बात करते हैं इधर की, तो ये देख लीजिए आपको उसमें मिलता है दोस्तों इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडियल स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवलर यूनिट, ये हो गया दोस्तों आपके AC वेंट की प्लेसमेंट। बाकी दोस्तों आपका हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको ये सॉफ्ट टच दिएगा लेदर रेट, सो यही सब कुछ दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर, बाकी क्या फीचर मिलते हैं वहाँ अपन कवर करेंगे और उसकी बात करेंगे। सो दोस्तों अभी हम गाड़ी के अंदर हैं एंड इसके इंटीरियर की बात करें तो आप देख लीजिए आपको कुछ इस टाइप का इंटीरियर देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों आपका रहेगा ड्यूल टोन का बेज एंड ब्लैक कलर का। बाकी दोस्तों बात करें तो काफ़ी इसमें आपको चेंजेस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। पहले दोस्तों बात करते हैं अगर इसके स्टेयरिंग व्हील की, तो आपको लेदर हेड मिलता है दोस्तों स्टेयरिंग व्हील एंड फील एंड टच दोस्तों काफ़ी अच्छा है इसका। बाकी दोस्तों नीचे आपको मिलता है फ्लैट बॉटम, यहाँ आपको सेल्टोस की बैजिंग, किया की बैजिंग। लेफ्ट साइड की बात करें वॉल्यूम कंट्रोल्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट साइड की बात करें क्रूज कंट्रोल वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड दोस्तों आपका स्टीयरिंग की बात करें तो टिल्ट प्लस आपको टेलीस्कोपिक दोनों देखने को मिल जाता है। इधर आप देख सकते हैं आपको इधर दोस्तों लाइट्स कंट्रोल प्लस दोस्तों इंडिकेटर जो कि आपके ऑटोमेटिक हैं। एंड यहाँ दोस्तों बात करें तो आपको मिलते हैं वाइपर कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। सो बाकी चीज़ की बात करते हैं तो आपको दोस्तों जो उसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है वो दोस्तों आपको डिजिटल मिलता है। एंड यही दोस्तों आपको बेस मॉडल में भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें आपको टीपीएम मीटर कंपास वगैरह सब कुछ आपको शो कर देगा। ऊपर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपका हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया है। एंड बाकी दोस्तों यहाँ पर आते हैं सेंटर में, तो दोस्तों जो आपको इसमें टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है दोस्तों वो आपको मिलती है 10.25 इंच की टच स्क्रीन, जो कि दोस्तों आपका सपोर्ट करती है एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले वायरलेस। एंड दोस्तों पूरा कनेक्ट एरिया आपको दिया गया है, देख लीजिए पूरा कनेक्टिंग है। बाकी दोस्तों ये बहुत से लोगों को पसंद आया, बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया, मुझे भी दोस्तों कुछ खास पसंद नहीं आया। हाँ यार थोड़ी सी इसकी हाइट थोड़ी सी ऊंची और होती तो दोस्तों और बेटर लगता देखने में, बट दोस्तों ऐसा लगता है ना कि हाइट से लगता है कि छुपा सा है दोस्तों ये देखने में, मतलब लगता है कि हैवी नहीं कि है कि नहीं है, बहुत छोटा दिया गया है। थोड़ा सा उसको और इसकी हाइट बढ़ा दीजिए ताकि और अच्छा लगता है दोस्तों ये देखने में। यहाँ दोस्तों आपको दिया गया स्मूथ फिनिश, यहाँ पर आपको हजार्ड का ऑप्शन दिया गया है, एसी वेंट की प्लेसमेंट, नीचे आपको दोस्तों ऑटोमेटिक एसी दिया गया है जो कि दोस्तों आपका ड्यूअल जोन क्लाइमेट है। बाकी दोस्तों बात करें यहाँ पर आपका दोस्तों सॉफ्ट टच दिया गया लेदर रेट है। एंड यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स दिया गया है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, USB एंड सी टाइप का फास्ट चार्जर, प्लस दोस्तों ये आपका रहेगा 6 स्पीड मैनुअल वेरियंट। एंड दोस्तों ये आपका IMT वेरियंट है। बाकी व्यू का बटन दबाएंगे यहाँ पर आप तो आपका रिवर्स कैमरा स्टार्ट हुआ है कुछ इस टाइप से। यहाँ पर आपका पार्किंग का दिया गया दोस्तों ये, बाकी 2 कप ग्लास होल्डर, मैनुअल आपको हैंड ब्रेक दिया गया है। एंड दोस्तों आप लोगों को सॉफ्ट टच में आर्म रेस्ट है, खोलोगे अंदर स्पेस है। सीट दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूँ, देख लीजिए बढ़िया कलर की आपको इसमें सीट देखने को मिल जाती है दोस्तों। एंड बहुत सारी चीज़ दोस्तों आपको इसमें नई नई चीज़ दी गई है, यानी जैसे कि आपका हो गया ऑटोमेटिक एसी जो कि आपका ड्यूल जोन क्लाइमेट एसी है, मतलब बहुत बढ़िया चीज़ दी गई है। बाकी मिरर की बात करें तो आपको इसमें ऑटोमेटिक मिरर देखने को दोस्तों मिल जाएगा। यहाँ आपको मिलता है सनग्लास होल्डर जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है। एंड आपको मिलती है रीडिंग लैंप्स वगैरह वाइट कलर में। बाकी दोस्तों बात करें अगर सनवाइजर की, तो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर देखने को नहीं मिलता, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। पैसेंजर साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर देखने को ज़रूर मिल जाता है। सो ऊपर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको उसमें पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाती है। ओपन करने की दोस्तों जस्ट प्रेस करना है एंड कुछ इस टाइप से दोस्तों आपकी पैनोरामिक सनरूफ ओपन हो जाएगी, काफ़ी बड़ी है दोस्तों। चलिए इसे बंद कर देते हैं, ये देख लीजिए जिस टाइप से ये बंद भी हो जाती है, साथ में दोस्तों आपका ये ब्लाइंड भी आ जाएगा आपके साथ, ये देख लीजिए कुछ इस टाइप से ये होती है बंद। बाकी आपका इंटीरियर दोस्तों कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों कैसा लगा आपको दोस्तों इसका डैशबोर्ड एंड इंटीरियर, प्लीज़ दोस्तों कमेंट जरूर करना।
पीछे वाले डोर पे दोस्तों कोई भी रिपका सेंसर नहीं है। ओपन करेंगे, डोर पैनल की बात करें तो वही दोस्तों बेजन ब्लैक कलर का, आपको सॉफ्ट टच, सॉफ्ट टच, हार्ड प्लास्टिक। बाकी स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ दोस्तों आप फिल्टर की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती। एंड यहाँ पावर विंडो कंट्रोल्स, प्लस आपको बात करें मिरर की तो सन बैंड आपको जरूर देखने को मिल जाता है। सो अगर दोस्तों पीछे वाली सीट पर बैठ चुके हैं, पहले बात करते हैं आपको क्या क्या मिलता है। यहाँ पर एसी वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिलती है, दो सीट टाइप के आपको फास्ट चार्जर, प्लस दोस्तों यहाँ पर आपको देख लीजिए मोबाइल स्पेस। एंड यहाँ पर दोस्तों आपका स्मार्ट प्योर एयर वायरलेस प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है सीट के पीछे। बाकी दोस्तों बात करें ऊपर आपको लाइट्स नहीं मिलती, लाइट की प्लेसमेंट दोस्तों आपको साइड में दी गई है कुछ इस टाइप से व्हाइट कलर के। एंड ग्रैब हैंडल भी आपको दोस्तों देखने को मिल जाते हैं दोनों साइड। सीट दोस्तों आपको मिलती है 60-40 में स्प्लिट। एंड दोस्तों इसमें आपको मिलता है आर्मरेस्ट विद टू कप ग्लास होल्डर। बाकी आपको तीन हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि आपके एडजस्टेबल हैं। बाकी आपको दो इसमें मिलते हैं दोस्तों आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट, पीछे आपको पार्सल ट्रे दोस्तों सब कुछ देखने को मिल जाती है। एंड सीट की दोस्तों रिक्लाइन एंगल की बात करें काफ़ी अच्छा है। एंड दोस्तों सीट में आपको थाई सपोर्ट की बात करता हूँ, बहुत बढ़िया थाई सपोर्ट। एंड नी रूम भी दोस्तों आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, तीन बंदे दोस्तों इस गाड़ी में इजिली बैठ जाएंगे। सो दोस्तों यही सब कुछ मिलता है आपको किया सेल्टोस एसटीएक्स डीजल आईएमटी के इंटीरियर एंड डैशबोर्ड में देखने के लिए। सो बात करें दोस्तों आपको इसमें कितने डीजल इंजन देखने को मिलता है, डीजल इंजन यहाँ देख लीजिए दोस्तों कुछ टाइप से आपको इंजन में मिलता है, काफ़ी नीट एंड क्लीन। ये दोस्तों आपकी बैटरी की प्लेसमेंट यहाँ से दोस्तों देख लीजिए, कुछ हिसाब से पकड़ कर बैटरी निकाल भी सकते हैं। बाकी दोस्तों इसके नीचे आपका था एयर फिल्टर। एंड दोस्तों ये आपका कूलेंट वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाता है दोस्तों, सब चीज़ देखने को मिल जाएगी। बोनट की बात करें तो आपको इसमें इंसुलेशन देखने को मिल जाता है। एंड इंजन की दोस्तों मेन बात करते हैं तो आपको 1.5 लीटर फोर सिलेंडर डीजल टर्बो चार्ज इंजन देखने को मिलता है। दोस्तों बात करते हैं अगर इस पावर फिगर की तो आपको मिलता है 114 bhp की पावर, वहीं 250 न्यूटन का टॉर्क ये गाड़ी आपको प्रोड्यूस करके देती है। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको किया सेल्टोस एसटीएक्स डीजल 6 IMT में क्या क्या फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं यही सब कुछ हमने कवर किया है। सो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जुड़े रहे हमारे साथ और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।